नमस्कार दोस्तों, प्राकृतिक रसोई चैनल में आज आपका स्वागत है। आज मैं आपको राजमा बनाने की का तरीका बताऊंगी, जो कि सभी घरों में बनता है और बहुत ही टेस्टी बनता है। बहुत अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से राजमे को बनाते हैं और हर जगह का स्वाद बहुत अलग होता है। तो आज मैंने ये देखिए छोटे वाले राजमे लिए, बड़ा बीन्स भी आता है, इसका दाना भी आता है, छोटा भी है। तो छोटा जल्दी गल जाता है, अगर आपको छोटा मिले तो आप छोटा लीजिएगा। ये ज़्यादातर जम्मू में मिलता है। इसको रात भर मैंने ये 250 ग्राम लिया है और मैंने इसको रात भर भिगो के रखा है। तो अच्छे से धो लीजिए पहले, उसके बाद इसको जितना इसके ऊपर पानी आ जाए वो उतना पानी डाल के इसको भिगो दीजिए। और भिगोने के बाद अब हम इसको रात भर हमने भिगो लिया है, अब हम इस पानी को फेंकेंगे नहीं, इसी पानी के साथ जो है कुकर में डाल देंगे। हमको इसको अच्छे से गलाना है उबाल के, और अब हम इसके अंदर तड़के का मसाला, गरम मसाला डालेंगे, खड़ा मसाला डालेंगे। ये तेज पत्ता है, मेरे टुकड़े टुकड़े हैं, आपके पास एक पूरा है तो एक डालिएगा। एक टुकड़ा मैंने दालचीनी डाला है, दो बड़ी इलायची है और थोड़ा सा जावित्री डाला है। इनको डाल के और थोड़ा सा नमक डालेंगे हम। ये देखिए, आप नमक स्वाद के अनुसार हम डालेंगे, इसमें भी डालेंगे, बाद में हमको मसाले में भी डालना है। तो हम थोड़ा सा नमक डाल के और कुकर बंद करके इसको हम गैस पे 3 से 4 सीटी लगा लेंगे, और बाद में खोल कर आप देखिएगा, अगर नहीं गला होगा राजमा तो फिर आप 1-2 सीटी और भी लगा सकते हैं। ये देखिए, मैंने कुकर को गैस पे चढ़ा दिया है। अब इसको मैं 4 सीटी लगाऊंगी, उसके बाद मैं खोल कर इसको चेक कर लूंगी कि ये राजमा गला है कि नहीं गला है। ये देखिए दोस्तों, हमारा जो है राजमा अच्छे से उबल के तैयार हो गया है, अच्छा गल गया है। 4 सीटी मैंने इसमें लगाई थी और मैंने खोल के देख लिया, फूट गया है। देखिए इसी तरीके से आपको राजमे को उबालना है। अब राजमा उबल गया, अब इसके बाद हम इसमें इसका मसाला बनाएंगे। मसाला बनाने के लिए मैंने 2 मीडियम साइज की प्याज ऐसे मोटी मोटी काट ली, ना ज़्यादा मोटी हो ना ज़्यादा पतली हो, लंबी लंबी साइज काट लीजिए। और 2 मीडियम साइज़ के मैंने टमाटर भी काटे हैं, ऐसे ही, ना पतले ना मोटे, थोड़े लाल रंग के टमाटर लीजिएगा। अगर देसी टमाटर मिल जाए तो बहुत अच्छा है। थोड़ा सा हरा धनिया मैंने चॉप करके लिया है, थोड़ा सा लहसुन और अदरक के टुकड़े लिए हैं, और ये मैंने गरम मसाला लिया है, एक छोटा चम्मच पूरा मसाला है। इस चम्मच से 2 चम्मच के करीब मैंने कसूरी मेथी तवे पे रोस्ट करके रखा है। 1 चम्मच मैंने इसी चम्मच से जो राजमा पैकेट का मसाला आता है बाजार का, वो मैंने लिया है। आधा इसी चम्मच से आधा छोटा चम्मच मैंने हल्दी पाउडर लिया है। 1 चम्मच मैंने कश्मीरी लाल मिर्च लिया है। 1 चम्मच मैंने जीरा लिया है, जीरा तड़के के लिए लिया है। और 1.5 चम्मच मैंने धनिया पाउडर लिया है। थोड़ी सी लंबी लंबी हरी मिर्चें मैंने काट के रखी है, और थोड़ी सी लंबी लंबी अदरक के टुकड़े काटे हैं। थोड़ा घी और थोड़ा नमक आपको स्वाद के अनुसार चाहिए, और तेल चाहिए जिसमें हम मसाला फ्राई करेंगे। तो चलिए मसाला फ्राई करते हैं। ये देखिए, मैंने गैस पे कढ़ाई गर्म होने के लिए रख दिया था, और इसमें मैंने 2 बड़े चम्मच सरसों का तेल डाल दिया है। सरसों का तेल जब अच्छे से गर्म हो जाए तब हम इसमें मसाले डालेंगे। हमारा तेल अच्छे से गर्म हो गया, अब हम इसमें जीरा डाल देंगे। जीरा जब चटक जाएगा अच्छे से तब हम थोड़ा सा चिटकाएंगे इसको। हाँ, जीरा चिटक गया, अब इसमें लहसुन और अदरक हम डाल देंगे। बस हम इसको 2-3 सेकंड ऐसे चलाएंगे, हल्का सा सुनहरा होने तक। उसके बाद हम इसके अंदर प्याज डाल देंगे। ये देखिए, हम इसमें प्याज डाल देंगे। प्याज को भी हमको बस थोड़ा सा कलर इसका हल्का होगा, बस हम उसके बाद टमाटर डाल देंगे। प्याज भी हमारा हल्का सा कलर डल हो गया है, अब हम इसमें ये टमाटर डाल देंगे। टमाटर आप लाल रंग के लीजिएगा, और इसी समय हम इसमें नमक डाल देंगे। नमक आप स्वाद के अनुसार डालिएगा, क्योंकि हमने राजमा उबालते समय भी नमक डाला है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा, थोड़ा नमक डालेंगे, बाद में हम टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसको चला के हम अच्छे से 2 मिनट के लिए ढक के, टमाटर जब तक मुलायम ना हो जाए तब तक हम इसको पकने देंगे, और बीच बीच में हम इसको चलाते रहेंगे। ये देखिए, हमारे टमाटर एकदम अच्छे से मुलायम हो गए हैं, हमने अब गैस को बंद कर दिया है। अब हम इसको पंखे की हवा में अच्छे से ठंडा कर लेंगे, उसके बाद इसकी प्यूरी बना लेंगे। ये देखिए दोस्तों, मैंने जो मसाला बनाया था उसकी प्यूरी अच्छे से बना ली है पीस के, और मैंने कढ़ाई में तेल गरम होने के लिए रख दिया था। 1 चम्मच तेल मैंने और डाला है इसके अंदर, 2 चम्मच मैं पहले ही डाल चुकी हूँ। तो अब हम इसी में अपना ये जो मसाला है उसको भुनेंगे। तो तेल गरम हो चुका है हमारा, हम इसमें ये जो मैंने लाल मिर्च पाउडर लिया था उसको डाल देंगे,
और हल्का सा चला के बस सीधे सीधे इसमें प्योरी डाल देंगे, नहीं तो लाल मिर्च जल जाएगी। प्योरी को अच्छे से डाल के हम इसको ढक ढक के अच्छे से पकाएंगे जब तक कि ये आधी ना हो जाए। मीडियम आंच करके हम इस प्योरी को अच्छे से पकाएंगे, क्योंकि हमने पहले ही नमक डाल रखा था इसलिए अभी हम इसके अंदर नमक नहीं डालेंगे, सिर्फ मसाले डालेंगे। तो मसाले में देखिए मैं हल्दी डाल रही हूँ और धनिया पाउडर और ये राजमा मसाला जो मैंने लिया था वो डाल रही हूँ। अगर आपके पास है तो डालिए, नहीं तो थोड़ा सा गरम मसाले की क्वांटिटी और बढ़ा दीजिए। सबको मिक्स करेंगे, नमक नहीं डालूंगी क्योंकि मैंने नमक पहले भी डाला है और राजमा उबालते समय भी मैंने नमक डाला है। तो जब हम बाद में पूरा राजमा इसके अंदर डाल के एक बार टेस्ट करके देख लेंगे, ज़रूरत होगी तो नमक डालेंगे। अब मैंने सब कुछ इसमें मिक्स कर दिया है, अब इसको ऐसे ढक्कन से ढक के थोड़ी देर तक, कम से कम 2 से 3 मिनट तक पका के हम खोल खोल के चलाते हुए इसको पकाएंगे अच्छे से। ये देखिए करीब करीब 5 मिनट हो गए मीडियम आंच पे मुझे इसको पकाते हुए, अच्छे से मसाला तेल छोड़ रहा है, अच्छे से ये पक गया है। थोड़ा सा खुला करके भी मैं इसको थोड़ा और पका लूँगी चलाते हुए। हमारा मसाला अच्छे से पक गया है, अब हम इसके अंदर ये राजमा, उबला हुआ राजमा डाल देंगे। मैंने इसके जो खड़े मसाले डाले थे वो सब निकाल के फेंक दिए क्योंकि अब उसकी ज़रूरत नहीं है, और राजमा हम पानी के साथ ही डालेंगे क्योंकि राजमे का स्वाद इसी पानी में है, इसलिए पानी को फेंकना नहीं है। अब हम पूरे पानी के साथ इन राजमा को ढक कर 5 से 7 मिनट तक अच्छे से पकने देंगे ताकि राजमा और जो मसाला है वो अच्छे से एक दूसरे के अंदर मिक्स हो जाए। अब इसी समय आप नमक टेस्ट कर लीजिए, अगर आपको नमक कम लगता है तो आप इसमें नमक थोड़ा ऐड कर सकते हैं। और हम इसको ढक के कम से कम 5 से 7 मिनट तक इसको मीडियम आंच पे पकाएंगे। ये देखिए 5 मिनट हो गया इसको पकते हुए और मीडियम आंच पे मैं इसको पका रही हूँ। अब इसके अंदर मैं ये जो हरी मिर्च के टुकड़े और अदरक के टुकड़े काटे थे इसको डाल दूँगी। आप टेस्ट के अनुसार मिर्च डालिएगा, अगर आप तीखा पसंद नहीं करते हैं तो आप हरी मिर्च स्किप भी कर सकते हैं। अब इसी समय मैं इसमें गरम मसाला भी डाल दूँगी। देखिए गाढ़ा हो गया है और राजमे में मसाला बिल्कुल अच्छे से लिपट गया है। हमको ऐसा ही चाहिए, ना तो हमको बहुत ज़्यादा सूखा चाहिए और ना ज़्यादा बहुत ज़्यादा पानी पानी जैसा चाहिए, क्योंकि राजमा चावल के साथ भी खा सकते हैं, आप रोटी के साथ भी खा सकते हैं। तो चावल के साथ खाने के लिए थोड़ी ग्रेवी चाहिए और थोड़ा सा अगर आपको पतला लग रहा हो तो आप राजमे को हल्का सा ऐसा दबा के, चम्मच से दबा के फोड़ दीजिए इसके अंदर। ज़्यादा नहीं फोड़ना है, बस थोड़ा थोड़ा ऐसे हल्के हाथ से दबा के हल्का हल्का फोड़ दीजिए ताकि ये अच्छा एक गाढ़ा जो है वो ग्रेवी बन के तैयार हो जाए। वैसे तो ये गाढ़ी हो गई है, अब हम इसको 2 मिनट के लिए और अच्छे से धीप एकदम धीमी आंच पे छोड़ देंगे ढक कर, उसके बाद फिर हम इसमें हरा धनिया मिलाएंगे। 2 मिनट हो गए, ये देखिए मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। अब हम इसके अंदर जो है ये जो मैंने कसूरी मेथी को भून के रखा था इसको डाल देंगे। इसको अब तवे पे रोस्ट करके डालिएगा और इसी के ऊपर हम ये हरा धनिया जो मैं छोटा छोटा काट के रखा था ये मैं डाल दूँगी। और अब हम इसके ऊपर, मैं गैस को बंद कर रही हूँ क्योंकि ये हमारा राजमा बिल्कुल अच्छे से हो के तैयार बन के तैयार हो गया है। अब इसके ऊपर आप ये घी डालिए, बिना घी के राजमा बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। हम घी को गर्म नहीं करेंगे, हम ऐसे ही ऊपर से 2 चम्मच घी इसके ऊपर डाल देंगे और डालकर हम ढक्कन को बंद करके 5 मिनट के लिए इसको ऐसे ही छोड़ देंगे ताकि कसूरी मेथी और हरा धनिया और घी और गरम मसाले का जो खुशबू है वो अच्छे से तरी में और राजमे में मिक्स हो जाए। ये देखिए 5 मिनट हो गए हमने इसको ढक के रखा हुआ था और इसमें अच्छी खुशबू आ रही है। अब मैं इसको सर्विंग बाउल में निकाल के आपको दिखाती हूँ। ये देखिए दोस्तों, हमारा राजमा अच्छे से बन के तैयार हो गया है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अगर आप इस तरह से राजमा बनाएंगे तो बहुत ही स्वादिष्ट राजमा बनेगा और आप इसको फुलके के साथ खाइए चाहे चावल के साथ खाइए, दोनों के साथ बहुत अच्छा लगता है। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा और नीचे लगे बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिल जाए। जब तक मैं नई वीडियो लेकर आती हूँ तब तक के लिए नमस्कार।